हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या है। एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और लीनियर मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास, मासिव पार्टिकल, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और वो किसी एक वेलोसिटी के साथ जब मूव करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब हमें प्रूव करना है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंसर्व। तो उसके लिए क्या है, हमें बताया गया है कि टोटल फोर्स, अगर किसी पार्टिकल पर एक्टिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि नो अप्लाइड फोर्स, देन वी सेड कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा वो एक कंजर्व क्वांटिटी होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, हमें चाहिए न्यूटन्स सेकंड लॉ की। हमें पता है न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू dp/dt, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर जैसे ही एक्टिंग फोर्स यानी कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स अगर इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि एफ अगर जीरो है, एफ इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। If S is equal to zero, तो हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से dp/dt is equal to zero. Zero is a constant quantity. And constant quantity का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक कंजर्व क्वांटिटी। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि dp/dt if applied force is equal to zero, then it is a constant and that is the conservation theorem of a particle. अब secondly हम पढ़ते हैं now conservation theorem for angular momentum of a particle. देखिए angular momentum को conserve प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि torque क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही तब होगा व्हेन द अप्लाइड टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो, देन हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो एक कंजर्व क्वांटिटी होगी। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। एक्चुअली में टॉर्क होता है एक टेंडेंसी ऑफ फोर्स, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाए अलोंग अ पोजीशन वेक्टर। टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स ऑन इट। जैसे आप सभी के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, जैसे आप वाटर टैप देखते हैं, वाटर टैप को जब आप ओपन करना चाहते हैं नोट फ्रॉम द वॉल, जब हम उसके उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है और हम उसे खोलना चाहते हैं, तो नॉर्मल जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से नहीं खुल पाता। तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक पाइप रेंच का, जो क्या करता है, एक पोजीशन के अलोंग फोर्स लगाते हुए उस पाइप को रोटेट कर देता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि जस्ट एज ए फोर्स इज ए पुश और पुल, यानी खींच भी सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं और उसको ट्विस्ट करके घुमा भी सकते हैं। तो कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम के लिए देखिए क्या कहा गया है, अप्लाइड टॉर्क था वो इज इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो हमारी क्या थी, एल की वैल्यू थी वो कंजर्व हो जाएगी। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि L इज इक्वल टू क्या है, R क्रॉस P, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम।
अब देखिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और ये एक हमें क्या दिया, पार्टिकल दिया जिसका मास था m, अलोंग ओरिजिन उसका एक पोजीशन वेक्टर था r। जैसे ही हमने एक फोर्स अप्लाई किया वो एक एंगल पर रोटेट होना स्टार्ट हुआ एंड दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर अलोंग z एक्सिस हम क्या देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हुआ। अब देखिए, हम देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम में, यहाँ अगर सिंपली देखा जाए हमें L को कंजर्व प्रूफ करना है, पर यहाँ पर तो टोर का कोई जिक्र है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टोर की ही हेल्प लेते हैं और इक्वेशंस को नाम देते हैं, दैट इज इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इन इक्वेशन वन जो टोर्क है वो क्या है, अबाउट द ओरिजिन, हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये तो कंडीशन हमें पता है, बट यहाँ पर हमें क्या है, हमें दे रखा है फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं टाउ में, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस डीपी बाय डीटी। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में इसे ये रिमेम्बर करते हुए चलना है कि टॉर्क जब जीरो होगा तभी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, यू रिमेम्बर आर क्रॉस पी विच इज इक्वल टू एल। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड को यूज करते हैं, या फिर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड डेरिवेट इट्स राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर क्रॉस पी ये है राइट हैंड साइड एंड इसको हमने क्या किया, डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम ओपन कर लेते हैं इसको, आर क्रॉस डीपी बाय डीटी प्लस क्या हो गया, ये देखिए डी आर डिवाइडेड बाय डीटी क्रॉस ये है हमारे पास पी। अभी इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सोल्व करके लिख लेते हैं और ये इक्वेशन है हमारे पास अनदर फॉर्म, आर क्रॉस डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू डी बाय डीटी आर क्रॉस पी माइनस डी आर बाय डीटी क्रॉस पी। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन को बस यहाँ रखा, इस साइड को यहाँ रखा और हमने क्या किया, इसे इस तरफ ले गए। तो हमने क्या किया, इसको चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें आर क्रॉस डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे पास डी बाय डीटी आर क्रॉस पी माइनस, अभी देखिए ये है डी आर बाय डीटी। अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डी आर बाय डीटी इज इक्वल टू वी एंड पी, हम जानते हैं पी है लीनियर मोमेंटम, तो ये हो गया एम वी। अभी और फर्दर सोल्व करके लिखते हैं, डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी आर क्रॉस पी माइनस एम बाहर निकाल ले तो ये हो गया वी क्रॉस वी, बिकॉज मास इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर
वेक्टर्स विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो हो गई हमारी क्वांटिटी जीरो, तो हमारे पास क्या बचा, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, एंड एफ इज इक्वल टू क्या है डी पी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये हो गया आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। देन क्या कहा, दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉर्क, यानी कि टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये क्या है लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो इफ अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन वी सेड डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एल हमारे पास क्या होगा एक कॉन्स्टेंट। हेंस हम कह सकते हैं कि अगर अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक कंजर्व क्वांटिटी होगी।